हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्साह रेसिपीज चैनल। तो आज हम बनाएंगे शलगम गोश्त की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने शलगम ली है 1 किलो। मैंने इसको कट कर वॉश कर लिया अच्छे से। ये शलगम के नीचे का पार्ट है। और यहाँ 1 kg चिकन लिया, ये भी मैंने वॉश कर लिया है। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया, कुकर में बनाएंगे। इसमें हम 3 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल ले लेंगे नाप कर। थोड़ा हम इस सब्ज़ी में ज़्यादा तेल लेंगे क्योंकि पत्ते की सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा तेल पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे जब तेल हमारा गर्म हो जाए, इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को तल लेंगे। जब ज़ीरा हमारा ब्राउन सा हो जाए, इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज का हम पेस्ट ना लें इस सब्ज़ी में कट करके ही डाली जाती है क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी होती है। तो 4 से 5 मिनट हुए हमारी प्याज कुछ इतनी तली पकी है, मतलब हम थोड़ा 1 से 2 मिनट और पकाएंगे जिससे कि अच्छे से कलर आ जाए और कच्ची न रहे प्याज। अब यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली है, इनको भी ऐड कर लेंगे इस टाइम पर। फ्राई की हुई प्याज काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब ये हरी मिर्च साथ में डालकर। तो इन्हें साथ में ही तल लेते हैं। ये देखिए हमारी प्याज कुछ ऐसी तली है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमें भूनना होगा तो इसलिए हम अभी इस टाइम पे ऐड कर देंगे। मसाले में नहीं भूनता क्योंकि हमने इसमें शलगम गोश्त में पिसा हुआ मसाला नहीं डलता, यही साबुत डलते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोश्त भी डाल दिया, साथ ही साथ 2 टमाटर लिए थे वो भी ऐड कर दिए। इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, कंटिन्यूसली चलाते रहें जिससे कि ये अच्छा बराबर हर तरफ से भुने इस तरीके से। अब इसमें जो है मैं सूखे मसाले ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने हरी भी ली है उसके हिसाब से रखें। 3 बड़े चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, मैं इसी चम्मच से डाल रही हूँ भरकर। तो भी यहाँ धनिया पाउडर जो है गोश्त की सब्ज़ी में ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पे जो टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच डाला है नमक। अभी यहाँ 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर भी इस टाइम पर ऐड कर देंगे क्योंकि जब हम भूनेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेंगे हम। अब इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमने तेल में भूना था इसको 5 से 6 मिनट, और अब 5 से 6 मिनट हम इसको और भूनेंगे क्योंकि गोश्त को जितना भूना जाता है उतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अभी यहाँ पे जो है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। यह मुझे पहले डालना था मसालों से पहले, पर कोई बात नहीं, मैं अब डाल लेती हूँ। मिक्स कर लें। अब 3 से 4 मिनट और मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर हम इसमें जो है शलजम जो ली है, पहले ही शलजम के नीचे की जो पार्ट है ये हम मैंने भिगो के रख रखी थी, पानी निकाल कर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। भिगो कर इसलिए रखते हैं जो भी मतलब इसमें कालापन वगैरह ना पड़े एक तो, और जो भी मतलब जैसे होते हैं ना मिर्च वगैरह जो लगती हैं वो भिगोने से थोड़ी कम हो जाती हैं। अब ये भुनी हुई प्याज थी मेरे पास रखी थी तो ये भी ऐड कर दी है मैंने, ज़्यादा नहीं 2 चम्मच के करीब ही होगी। मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ना हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ना भी डालें। और अगर डालना चाहें तो सबसे पहले प्याज को भून कर फ्राई कर तेल में उसे निकाल लें अलग प्लेट में। तो यहाँ पे जो है मैं अब ये शलजम डाल लूँगी इस तरीके से, पहले आते हुए शलजम डाल लें। यहाँ पे शलजम जो है मैं 2 से 3 बार में डालूँगी। एक बार का डालकर मैं चला दूंगी, फिर जब ये नीचे भुजक सी जाए बैठ जाएगी उसके बाद मैं इसको दोबारा डालूंगी।
इसी तरीके से हम 3 बार ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये मैं चला लूँगी, तो जैसे जैसे मैं चलाती जाऊँगी हमारी शलजम जो है भुजक जाएगी और ये नीचे को बैठ जाएगी, तो इतना स्पेस हो जाएगा कि हम इसमें और शलजम ऐड कर सकें। तो शलजम गोश्त की सब्ज़ी लगती है तो काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ खाली शलजम गोश्त की बनाई है। आप जैसे शलजम लिए तो उसमें थोड़ा जो है थोड़ा सा हम पालक के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है उसमें थोड़ा पालक का भी फ्लेवर आ जाता है, तो वो 3 तरह का फ्लेवर ऐड हो जाता है इसमें, तो ऐसे भी अच्छी, और वैसा बनाना चाहते हैं तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो ये देखें, अब मैंने दोबारा से हमने ये शलजम फिर से ऐड कर दिए, इस तरीके से फैलाते हुए डालें और फिर से हम इनको चला लेंगे। इस तरीके से ही चलाते जाएं जिससे कि हमारी शलजम बिखरे ना, क्योंकि कुकर में बनानी होती है, इसमें सीटी लगानी होती है शलजम में, बिना सीटी की गलती नहीं है, तो सीटी लगाना ज़रूरी होता है, और इतनी सीटी लगाएं कि हमारे चिकन ज़्यादा गले ना। तो यहाँ पे जो बाकी बची हुई शलजम है वो भी मैं इसमें ऐड कर ली है, ऐड करने के बाद ये देखिए जैसे शलजम में चला रही हूँ तो शलजम ने ये थोड़ा अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, तो हम इसमें अलग से कोई पानी नहीं डालेंगे, जो है बस इसी में ही पकाएंगे। तो यह मैंने चला ली 2 से 3 मिनट और मैं इसको कवर करके रख दूँगी। सिर्फ हमें इसमें 2 सीटी लगानी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें गोश्त का भी ख्याल रखना है, वो ज़्यादा गल ना जाए। 2 सीटी लगाने के बाद मैंने कुकर जब खोला तो इसमें थोड़ा जो है पानी अब भी बाकी है, तो हम इसको खुले में पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि हमारी पानी खुशक हो जाए और हमारी सब्ज़ी जो है थोड़ी टाइट सी खुशक सी बने। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट और लगेंगे और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।